तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक मेरी सालों पुरानी रेसिपी बुक मिली है। इसमें से मैं रोज़ रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हम यहाँ पे टमाटो सॉस बनाएंगे। तो आज जैन टमाटो सॉस बनाएंगे, क्योंकि रेगुलर टमाटो सॉस की रेसिपी मैं इसमें से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ लास्ट टाइम। तो आज बिना कलर, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना प्याज के ये सॉस बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसका कलर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल टमाटो का कलर है। तो टमाटो लेते समय इस तरीके से बड़े बड़े और लाल लाल और कड़क टमाटो लें, ताकि इसके अंदर इसका पल्प ज़्यादा निकले। अब यहाँ पे मैं टमाटो कट कर दूँगी, तो बड़े बड़े पीसेस में ही हमें कट करना है। बड़े टमाटर लेने से इसमें रस कम होता है और गूदा ज़्यादा होता है, तो उससे सॉस थिक बनता है। हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ज़्यादा गैस चलती है। तो इस तरीके से बड़े बड़े टमाटर कट करके आप इसे कढ़ाई में ले लें, जिस कढ़ाई में आपको इनको पकाना है। तो अब यहाँ मैंने सारे टमाटर चॉप कर दिए हैं और कढ़ाई में रख दूँगी। इसी के साथ मैं थोड़ा यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक स्वाद अनुसार आपको डाल देना है, ताकि टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ढक्कन लगाकर 2 मिनट हम इसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 2-3, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे स्लो आँच के ऊपर। ये 10 से 15 मिनट में टमाटर एकदम नरम हो जाएंगे। तो एक बार आप इसे बीच में इस तरीके से चला लें और फिर से इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए कुक करें, ताकि और भी कोई ऊपर टमाटर कड़क रह गया हो तो वो कुक हो जाए। तो अब ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से गल गए हैं टमाटर, और इसे हम मलाएंगे और आंच को बंद कर देंगे। और इसे फिर पूरी तरीके से ठंडा करना है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये 15-20 मिनट बाद एकदम ठंडा हो गया था, और अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। ग्राइंडिंग जार में डाल के हम इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे शक्कर ग्राइंड की थी, तो इस शक्कर का ही जार मैं ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप पल्प इसका ग्राइंड करें, और एक बारीक होल वाली छलनी में आप इसे छान दें, ताकि आपको जो पल्प मिले वो एकदम फाइन छन के मिले, यानी कि उसके कोई भी बीज ना आए उसके अंदर। तो इस तरीके से एकदम बारीक होल वाली छलनी ले लें, और उसमें सारा पल्प ग्राइंड करके एक अलग बर्तन में ले लें। और इस तरीके से स्पैटुला या चम्मच यूज़ कर सकते हैं, उसे प्रेस कर करके आप इस प्यूरी को छान लें। इससे ये बहुत अच्छे से निकल जाती है और गाढ़ी भी निकलती है थोड़ी। तो ये देखिए, 1.5 किलो टमाटर लिए थे मैंने, उसमें इतना पीछे का जो कचरा है वो निकला है। तो अब ये हमारी प्यूरी भी रेडी है। अब फिर से उसी कढ़ाई में मैं इस प्यूरी को ट्रांसफ़र कर दूंगी, और अब हमें इसे गाढ़ा करना है। तो इसे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बॉईल करते वक्त लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ मैंने शक्कर की जगह धागे वाली मिश्री यूज़ की है, आप चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 किलो टमाटर है, तो 150 ग्राम के जितनी मैं यहाँ शक्कर यूज़ करूँगी, ये मेरा मेजरमेंट है। तो शक्कर को मैंने अच्छे से कूट के मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर कर दिया था, और इसे मिक्स करके हम चलाते रहेंगे। अब ये गाढ़ा है, तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर नॉनस्टिक है तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं पैन में, पर अगर आप कोई और पैन यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर चिपकेगा। तो हिलाते रहें इसे। अब थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे, और इसे आपको अब ढक्कन लगाकर पकाना है। तो ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखना है, ये इसलिए कि ये बहुत उछलता है, इसका प्यूरी जो है इसकी बहुत उछलती है। तो आपका सारा किचन है या फिर आपके ऊपर भी उड़ सकती है, और ये गरम गरम छींटे नहीं उड़े इसके लिए हम
इसे ढक्कन लगाकर ही कुक करेंगे। तो ये देखिए कितने ज़ोर से उछलते हैं ये, और थोड़ा सा ढक्कन खुला रखने की वजह है ये है कि उसकी स्टीम बाहर आती रहेगी, तो स्टीम ज़्यादा नहीं बनेगी और ये प्यूरी गाढ़ी होती जाएगी। तो इसके लिए ढक्कन लगाकर कुक करना ज़रूरी है। अब देखिए मैं बीच में हिला रही हूँ, तो ढक्कन लगाकर ही इसे हिला रही हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इस पे देखिए ये किचन में मेरे छींटे उड़ गए हैं, पूरा प्लेटफॉर्म नीचे सब गंदा हो गया था। तो अब गाढ़ा हो गया है सॉस, तो मैंने आँच बंद कर दी है, और अब इसके अंदर मैं विनेगर डाल दूँगी। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून के जितना मैंने विनेगर लिया है और इसे डाल दिया है, और गरम गरम में ही विनेगर डाल देना है, जिससे कि वो आराम से पक जाएगा। विनेगर और शक्कर इसमें प्रेजर्वेटिव का भी काम करते हैं। अब एक प्लेट टेस्ट करेंगे, थोड़ा केचप इस तरीके से इस प्लेट पे डाल के टेढ़ा करें प्लेट, तो ये पूरा नीचे आ रहा है केचप, इसका मतलब कि अच्छे से कुक हो गया है। अगर पानी आता है उसके साथ तो आपको उसे थोड़ी देर और कुक करना है। और अब हम इसे दोबारा छानेंगे ताकि हमें मार्केट की जैसा ही इसका टेक्सचर मिले। अब छलनी से फिर से इसे एक बार छान ले, ये ऑप्शनल है, पर ऐसा करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा हम छान लेंगे। अब हमारा केचप रेडी है, इसे अच्छे से ठंडा करना है। ये देखिए पीछे बहुत कम निकला है इसका ये गुदा, तो यहाँ पे ये जब ठंडा हो जाए तो इसे बॉटल में भर दे, और आप चाहें प्रिजर्वेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आपको चटनी जैसे चाहिए तो आप इसे थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ स्टरिलाइज की हुई बॉटल में हम भर देंगे। तो फ्रेंड्स है ना मज़ेदार एकदम जैन सॉस, आप इसे आराम से बना के स्टोर कर सकते हैं, बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ ऐसी ही हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।